चलन देखते हैं इसको फोटोशॉप में किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह का पोस्टर या। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन बनाने के लिए हम फोटोशॉप खोल लेंगे। तो इसके लिए ये सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट बनाएंगे, तो यहाँ से न्यू पे जाके हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से वेब ले लेंगे और यहाँ पे साइज़ ले लेंगे 1600x1200 है, लेकिन इसको हम पूरा कर लेंगे 1200x1200, रेजोल्यूशन 300 की रख लेंगे इसके ऊपर, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये साइज़ इसका परफेक्ट निकल गया है, ये बिल्कुल स्क्वायर साइज़ है और ये बिल्कुल सेट बैठेगा इसके ऊपर किसी भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे भी आप इसको एडवर्टाइज़ करेंगे तो बिल्कुल फिक्स आएगा। क्लिक करके ओके कर लें, यहाँ से अनलॉक कर दें इसको डबल क्लिक करके और इसको ओके कर दें, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दें और उसका यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ से क्लिक कर दें और यहाँ पे पीस फाइल्स ले लें और यहाँ पे जाके इसको जो है विजिटिंग कार्ड में जाके हम इसको या सोशल मीडिया में जाके इसको हम सेव कर देते हैं एप्पल के सनशाइन के नाम से। ठीक है, ओके कर देंगे इसको यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके देखें इस तरह से नज़र आ। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, ये एक दो डिज़ाइंस कलर स्कीम को देख लें पहले, ये कलर स्कीम्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ, जैसा कि अगर आप कोई बैनर या पोस्टर देख के बनाना है तो पहले उसको डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही आप उसको ऐसे करेंगे ना सेव इमेजेस, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब कहाँ डाउनलोड करना है हम इसको, सपोज क्योंकि इसको पिक्चर्स में डाउनलोड कर लेते हैं या डॉक्यूमेंट्स में जाके पीएस फाइल्स पीएस असाइनमेंट्स में जाके इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके इसको सोशल मीडिया के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, ओके कर देते हैं, इसे हो गया। अब आसान तरीका ये है कि आप इसको फोटोशॉप पे कंट्रोल ओ करके यहीं पर ही ओपन कर लें। तो यहाँ से हम चले गए, क्लिक किया, यहाँ से हम पीएस फाइल्स में चले गए और यहाँ पर सोशल मीडिया के नाम से मैं बनाया था इसको ओपन कर लिया। सेव ही नहीं हुई है, ठीक है, तो देखें सेव नहीं हुई है तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, कॉपी करता हूँ मैं इसको, कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्टली उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो एक न्यू फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे और न्यू फाइल लेके यहाँ पे 3300 रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो एक तो इसका साइज़ भी मुझे पता चल गया, इसका साइज़ है 107x107, मैंने 1200x1200 में बनाना है, कोई मसला नहीं है, वो भी अपनी जगह पे चल जाए। कंट्रोल ओ करके ओपन कर लेता हूँ मैं अपनी फाइल सोशल मीडिया पोस्ट के नाम से और ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, ये मेरी लोड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पे ये आ गया और अब इसमें से कलर हम खुद निकाल लेते हैं। कलर निकालने का क्या तरीका है, देखिए ये कलर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जाएंगे कलर फाइंड, आई ड्रॉपर टूल है, ये रहा, तो इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल लें, यहाँ क्लिक करें, देखिए इसका कलर कोड आ रहा है 009A9C, ये एक ही कलर है। तो ये एक कलर हमें ये चाहिए 009A9C। अब इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं हम, ये कलर हमने यहाँ खोले हुए यहाँ से कलर ले लेंगे हम, ठीक है, दूसरा कलर ये वाला चाहिए होगा तो ये ले लेंगे, और तीसरा ब्लैक है। इसमें एक अच्छी सीखने की चीज़ ये कि आपको इसको पता होना चाहिए कि हमारी जब भी कोई पोस्ट बनानी है तो उसमें तीन कलर्स यूज़ करेंगे आप और चौथा बैकग्राउंड के तौर पर। इसमें बैकग्राउंड में वाइट यूज़ हो रहा है, टेक्स्ट के लिए ब्लैक यूज़ हो रहा है और जो ग्राफिक्स की है, ग्राफिक्स जो शेफ्स बनाए वो ग्रीन और ऑरेंज के साथ बनाए इसमें, ठीक है, तो ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है, इसी तरह से कोई भी अच्छी सी पोस्ट बना सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब आए डिज़ाइनिंग की तरफ। तो ये क्या बनाया हुआ है इसने, देखिए ये एक बनाया हुआ है इसने, क्या बनाया हुआ है इसने, स्क्वायर भी हो सकता है ये और कोई भी चीज़ बना लें। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ये ले लेते हैं शेप और यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और स्टार शेप को भी अगर हम पॉलीगॉन को लें और पॉलीगॉन को लेके हम इस पर आके क्लिक करें यहाँ पे, तो स्मूथ कॉर्नर्स को लेके 100x100 का बन रहा है 6 कॉर्नर वाला, इसको आप 5 कॉर्नर पे बना लें। ठीक है, ये तो स्मूथ में बिल्कुल गोल हो गया, यहाँ पे 5 कॉर्नर्स में ऐसे करें। अब इसमें तो देखें एजेस निकल रहे हैं, हमें एजेस नहीं चाहिए, तो फिर हम ये नहीं लेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल 100 के रेडियस पे बना के देखते हैं कैसा बन रहा है, ये बिल्कुल गोल हो गया, तो इसका रेडियस को कम कर लेंगे 25 के रेडियस पे बना के देखते हैं। रेडियस पे ओके करते हैं तो ये देखिए बन गया। अब देखिए इसके शेप में और इसके शेप में क्या शेप है, सिमिलरिटी है, यहाँ पे जाते हैं अल्ट्रा टैब के साथ, तो ये इतना टर्न है और यहाँ पे देखिए कितना टर्न हो रहा है, ये इतना टर्न है। कंट्रोल टी करके अगर इसको हम रोटेट भी करते हैं इस तरह से एक एंगल के ऊपर, तो ये देखें ऐसा नज़र आएगा, आई थिंक सेट है ये। क्लिक करेंगे यहाँ पे, अप्लाई कर देंगे। अब इस शेप को आपने इसके पोस्ट के 50% पे यूज़ करना है, तो ठीक है कैसे करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, अल्टर शिफ्ट करेंगे और इस तरह से इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसका दिखाना ही हमें इतना हिस्सा है इस तरीके से, और ये इस तरह दिखाई देगा, इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो ये देखिए आधा हिस्सा आ रहा है, बल्कि ये हिस्सा भी यहाँ पे आधा सा चला जाना है। तो इसको इस तरह से रख के और ऐसे करके हम इसको ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल टी करके अगर थोड़ा सा रोटेट भी करना चाहें तो इसको ऐसे रोटेट भी किया जा सकता है, जिससे थोड़ा ऑफ साइड पर और साइड पर ऐसे करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब आ गया इस शेप के ऊपर मसला कि इसका कलर कौन सा पड़ना है, तो कलर तो हमने वहाँ से चूज ही किया था, तो यहाँ से लेंगे हम कौन सा कलर, कोई भी ले लें, यहाँ से क्लिक करें पहला कलर, यहाँ पे क्लिक करें, कलर सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर आ गए, इसमें कलर भरना है तो डबल क्लिक किया और ये कलर इसमें से चूज़ कर लें, जो यहाँ चूज़ किया था आपने, तो क्लिक किया यहाँ पर, कलर आ गया, ओके कर दें। तो ये इसके अंदर कलर भर जाना चाहिए, लेकिन नहीं भरा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं भरा तो। अब हम इसको कलर क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि ये शेप तो हमने बनाया था लेकिन ये शेप पर ही बना था, शेप फिल ऑफ है इसका, यहाँ से हम इस पर कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आ गए इसकी शेप आउटलाइन की बात, तो स्ट्रोक हम ये वाला यूज़ नहीं कर रहे, हम इसको इफेक्ट्स देंगे उससे स्ट्रोक यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर जाएंगे, पहले कलर ले लेते हैं, ये कलर कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने लिया आई ड्रॉपर, क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ से कलर कोड आ गया, इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिल जाएगा, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक आउटसाइड पर लगाएंगे, और जैसे आउटसाइड पर स्ट्रोक लगाएंगे तो यहाँ से हम इसका जो है कलर जो है यहाँ से चेंज कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको बढ़ाना शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 30 तक ले गए हम इसको, ठीक है, 10, 30, ओके कर दिया। और ये देखें इस तरह से आपका बन गया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, तो ये एक मामला आपने इसका अपना पूरा सेट कर लिया। बस अब यही था जो इसका बड़ा मामला था, बाकी तो इसके सारे मामले छोटे ही रहेंगे। तो यहाँ से हमने इसको ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपने इसको कर लिया, कंट्रोल टी दबा के अगर आप थोड़ा और रोटेट करना चाहें इसको तो ऐसे रोटेट कर लें और ये आपको ऐसे दिखाई भी दे सकता है। थोड़ा सा और स्ट्रेच करके इसको आगे करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके ऐसे खींच के भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि एक शेप पूरा कम्प्लीटली बन जाए इसका, ठीक है। तो ये काम तो आपने इस पर ईजिली कर लिया, सेव कर दिया, यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ पर आ गया। दूसरा शेप बनाना है यहाँ पे ओपन फॉर 2020 थ्रू, उसमें फॉन्ट्स का भी बड़ा रोल है और दूसरी चीज़ें हैं। तो पहले एक ये शेप बनाना है यहाँ पे और एक दूसरा शेप ये बनाना है और एक नीचे वाला शेप बनाना। अच्छा, नीचे वाले शेप में इसने क्या किया हुआ है कि आई थिंक इसने पूरा ही लिया होगा ये यहाँ तक, फिर उसके ऊपर सर्किल लगा दिया और उसको पूरा कर दिया। तो ये शेप कैसे निकलेगा, इस शेप को निकालने का तरीका भी आसान है, एक नया लेयर ले लें इसके ऊपर और यहाँ से पेन टूल पे क्लिक कर लें, यहाँ से क्लिक करें यहाँ पे इस तरह से, और इसको यहाँ पे शेप को लेके ऐसे करके ऊपर ले जाइए दोबारा साथ ही, और इसको वापस घुमा के ऐसे करके ला के इधर जोड़ दीजिए। तो ये नीचे वाला शेप निकल आया इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लें यहाँ शेप का ऑप्शन लेके, यहाँ से क्लिक करें फिल के ऊपर और यहाँ पे ये वाला कलर ले लें, और उसके बाद स्ट्रोक इसके जो है ख़त्म कर दें। हमसे हमें स्ट्रोक के ऊपर यही वाला कलर लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हल्का सा लगाना है। तो इस चीज़ को कैसे 3D में शो करते हैं, इसके दो तीन तरीके हैं, लेकिन एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसको क्लिक किया आपने, चाहे तो पेन टूल यूज़ कर लें, नहीं यूज़ करते हैं पेन टूल तो फिर ऐसा कर लें कि इसको डिलीट करें, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल जे करें, किसी का एक डुप्लीकेट करें, नीचे वाले पे क्लिक करें और उसमें ये वाला कलर भर दें, जैसे क्लिक करेंगे भर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल टी करें और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करके ऊपर ले लें। अब ये पूरा ही ऊपर आ गया, पूरा तो चाहिए नहीं, तो इस तरह करना है कि थोड़ा पहले ऊपर ले लें इसको ऐसे, और फिर इसको सेंटर पॉइंट को आप रखेंगे यहाँ पर, इसके सेंटर पॉइंट को, और यहाँ से क्लिक करके ऐसे करके इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लें, ऊपर आ जाओ ऊपर, ठीक है। और फिर इसको सेंटर पॉइंट को, रोटेशन पॉइंट को यहीं पर सेट करके यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये देखिए कितना परफेक्ट निकल के आ गया। और क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से इस तरह निकल के आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर दें। अब रह गया इसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर फोटो लगाना है, फोटो के ऊपर ये चीज़ करनी है। अभी इसके 50% पार्ट के ऊपर हमें ये काम करना है, तो अब ये देखना है कैसे करना है हमें। ओके, तो इस काम को करने के लिए हमें फिर से एक शेप बनाना है। यहाँ से हमने लिया एक नया लेयर लेके एक सर्किल बनाया हमने इसके ऊपर, सर्किल बना के ऑल्टर शेप के साथ इसको, ठीक है, ये सर्किल बनाया हमने, इस पर क्लिक किया, ये एक अलग शेप पे बना है, इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा देखना ये है कि ये सर्किल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये इसके थोड़ा नीचे रहे और यहाँ ऊपर भी जगह चाहिए जाकर कुछ लिखा जा सके। तो कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन में डालेंगे इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और अब मेरा ख्याल ये कि सर्किल इस साइज़ का है कि इसको थोड़ा इस साइड पर कर दिया जाए, तो ये कुछ इस तरह का काम कर लेगा कि तस्वीर भी आ जाएगी और नीचे गैप भी और ऊपर भी कुछ ऐड किया जा सकता है। क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, तस्वीर लेके लगानी है, तो इस सर्किल में कोई कलर भरना पड़ेगा, कोई भी कलर भर दें, लेकिन इसमें कलर तो भर देंगे आप, पर इसमें जो है एक फ़ोटो लगाना है। तो इसकी स्ट्रोक को ख़त्म कर देते हैं हम, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं,
आप फोटो लगाने के लिए एक और सर्किल लेंगे आप, जो उसके नीचे आएगा, फोटो के लिए ऊपर रखेंगे सर्किल, कंट्रोल ओ करके ओपन करेंगे एक फ़ोटो जो आपने इसके अंदर लगाना है। तो वो फोटो भी अच्छे चाहिए होते हैं, नेट से डाउनलोड करें, pixels.com पर से, shutterstock.com पर से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करके, जैसे कि कुछ पढ़ रहे हों लोग बात, तो ये कुछ पढ़ रही है, मेरा ख्याल ये सही रहेगी। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पे ले जाके कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके बाद इसको ले जाके सर्किल के हिसाब से ऐसे फिट कर देंगे। क्लिक करेंगे, ऊपर रखेंगे फोटो, और उसके बाद राइट बटन दबाएंगे, कर देंगे इसको क्या, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये उसके अंदर चली गई। अब ये जो नीचे वाला सर्किल है, इसके साथ आपने कुछ नमूना ये कर लेना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ले जाना है, और इसको भी लगाना है स्ट्रोक। स्ट्रोक में ऑलरेडी वही कलर सेलेक्ट होगा जो हमने ऊपर दिया था, तो नहीं है तो अगर क्लिक करके यहाँ क्लिक करें और यहाँ से वो कलर को पिक कर लें और ओके कर लें, और फिर आपने इस स्ट्रोक को एक्सटेंड करना है आउटसाइड पर। तो जैसे आप आउटसाइड पर स्ट्रोक करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है वही 30 तक लेकर गए थे, तो 30 तक का इस प्रेस पे अप्लाई होगा, और ये देखें इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, सही है, ग्रुप नहीं, क्लिपिंग मास्क। ठीक, तो ये देखें इसके ऊपर आ गया। अगर फोटो को थोड़ा फोकस करना है, कंट्रोल डी दबा देंगे फोटो पे, और यहाँ से इसको कितना फोकस करना चाहे ऐसे आप इजीली कर सकते हैं, और क्लिक करके इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से इस पर की जा सकती है। अब आती है बात कि नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बाद, और फिर क्लिक करते हैं कि एक ये बनाना है इनरोलना है, एक फैसिलिटी, और एक ये तीन बनाना है, फिर स्कूल एडमिशन ये भी लिखना है इसके अंदर। तो स्कूल और एडमिशन हाँ कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये वाला वाह ये कर लेंगे आप सारा। ठीक है,